Hello and welcome back to the Medical Girl. In this video, we are going to discuss about BP-807-ET Unit 2, that is Quantitative Structure Activity Relationship. So let's begin. The first topic is SAR versus QSAR. So SAR ki full form hoti hai Structure Activity Relationship, जो कि होती है एक रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल या फिर 3D स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी. और QSAR क्या होता है, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जो कि एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप होती है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के बीच में और मेजरेबल फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स. यानी कि जो SAR है वो स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बीच में रिलेशनशिप है, और जो QSAR है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी और मेजरेबल फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन है. देन SAR इज यूज टू डेवलप अ न्यू ड्रग विद इंक्रीज्ड एक्टिविटी. यानी कि हम इसे एक नई ड्रग बना सकते हैं जिसकी एक्टिविटी इंक्रीज्ड हो. और जो QSAR है वो हेल्प करता है ड्रग डिज़ाइनिंग में. देन SAR हम कर सकते हैं मेनली लीड कंपाउंड से, और जो QSAR में हम ऑप्टिमाइज करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द लीड कंपाउंड. जो SAR है वो स्पेशल केस नहीं है QSAR का, लेकिन जो QSAR है ये एक स्पेशल केस है SAR का. SAR में हम कंसिडर नहीं करते अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंसी को, लेकिन जो QSAR है ये डील ही करता है पोटेंसी और चेंज ऑफ पोटेंसी और एफिकेसी से. तो QSAR में जो 2D एनालिसिस होती है जिसमें हम यूज़ करते हैं हैंस एनालिसिस, फ्री विल्सन एनालिसिस, 3D एनालिसिस में हम यूज़ करते हैं कॉम्फा, यानी कि कंपैरेटिव मॉलिक्यूलर फील्ड एनालिसिस, जो प्रोवाइड करते हैं स्टेरिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक वैल्यूज़ को, और कॉम्सिया जो कि होता है कंपैरेटिव मॉलिक्यूलर सिमिलैरिटी इंडेक्स एनालिसिस, जो प्रोवाइड करता है स्टेरिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक वैल्यू, और कंसीडर करता है हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर डोनर और हाइड्रोफोबिक फील्ड को, और 4D और MD टाइप की भी होती है ये. नेक्स्ट टॉपिक इज़ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ QSAR. तो सबसे पहले 1868 में डी मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट थे जिन्होंने अरेंज किया था 63 नोन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक मास के बेसिस पे. देन 1869 में ये पब्लिश भी हुआ था प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री में, और उन्होंने कुछ स्पेस भी छोड़ी थी नए एलिमेंट्स के लिए और प्रिडिक्ट किया था 3 येट टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स को, जो कि थे गैलियम, स्कैंडेलियम और जर्मेनियम. देन क्रम, ब्राउन एंड फ्रेजर ने फॉर्मुलेट की एक सजेशन कि जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है मॉलिक्यूल्स की वो डिपेंड करती है उनके स्ट्रक्चर पे, और इन्होंने कहा था एक्टिविटी इज़ इक्वल्स टू F, यानी कि स्ट्रक्चर. उन्होंने स्टडी किए थे एक सीरीज ऑफ क्वार्टनाइज्ड स्ट्रिचनिन डेरिवेटिव्स को, जिसमें से कुछ के पास एक्टिविटी थी सिमिलर थी जो क्यूरेन से इन पैरालाइजिंग मसल. 1869 में BJ रिचर्डसन थे, उन्होंने देखा था नारकोटिक इफेक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल वेरी करता है प्रोपोर्शन से टू देयर मॉलिक्यूलर वेट्स. 1893 में सी रिचर्ड ने दिखाया था कि जो टॉक्सिसिटी होती है सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि ईथर, अल्कोहल और कीटोन, वो इनवर्सली रिलेटेड होती है उनकी सॉलिबिलिटी इन वाटर से. 1899 में H. मेयर और 1901 में E. ओवरटन ने देखा था वेरिएशन होती है पोटेंसीज की नारकोटिक कंपाउंड्स की लॉग पी के साथ, जिसका नाम था लिपिड थ्योरी ऑफ नारकोसिस. देन 1904 में जे ट्रॉक ने फाउंड की थी एक रिलेशन, लीनियर रिलेशन बिटवीन नेक्रोसिस और सरफेस टेंशन में. 1937 में LP हैमिट ने स्टडी की थी केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ सब्सटीट्यूटेड बेंजीन्स की, और हैमिट इक्वेशन दी थी, लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप दी थी. 1939 में जे फर्ग्यूसन ने फॉर्मुलेट किया था कंसेप्ट लिंक करने का नारकोटिक एक्टिविटी को, लॉग पी को और थर्मोडाइनमिक्स को. 1964 में फ्री और विल्सन ने QSAR किया था फ्रेगमेंट्स पे.
हैंस और फिजिटा ने दी थी बायोलॉजिस्ट हैमेट इक्वेशन, 1970s और 1980s में डेवलपमेंट हुई थी 2D QSAR की, देन 1980s से 1990 तक 3D QSAR की, जो 2D वाले थे उसमें था डिस्क्रिप्टर्स और मैथमेटिक फॉर्मुलेशन, सॉरी फॉर्मलिज्म, और 3D में फार्माकोफोर, कॉम्फर, डॉकिंग। देन 1990 से प्रेजेंट तक वर्चुअल स्क्रीनिंग, 1992 में बोहेम ने ल्यूडी इंट्रैक्शन साइट्स और डॉकिंग और स्कोरिंग के बारे में देखा था। 1997 में लिपिंस्की रूल, बायोबिलिटी रूल ऑफ 5 आया। 1998 में अजय, वॉल्टर्स, मुर्को, सेडोवस्की, क्यूबिनी ने ड्रग लाइक करेक्टर्स के बारे में स्टडी किया था। एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि QSPR क्या होता है, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप। तो उसमें क्या होगा कि स्ट्रक्चर चेंज करने पे कि प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चेंज आ रहा है, जैसे कि हमारी ADMET प्रॉपर्टीज़ हो गई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन और टॉक्सिसिटी एंड अदर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ फिजियो केमिकल पैरामीटर्स। तो इसमें फिजिकल, केमिकल और स्ट्रक्चरल QSAR की स्टडी करने के लिए हमको हाइड्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉनिक, स्टेरिक प्रॉपर्टीज़ जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होती है, इनकी स्टडी करनी पड़ती है, और ये ईजी है इन प्रॉपर्टीज़ को क्वांटिफाई करना। तो सबसे पहले आ जाती है हाइड्रोफोबिसिटी, जिससे हमें पता चल जाता है कि जो मॉलिक्यूल है वो इजीली क्रॉस कर लेगा सेल मेम्ब्रेन को, और इम्पॉर्टेंट होती है रिसेप्टर इंट्रैक्शन के लिए। अगर हम सब्सिट्यूएंट्स को चेंज कर देते हैं ड्रग के, तो बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट होते हैं हाइड्रोफोबिक करेक्टर्स पे, जिससे बायोलॉजिकल एक्टिविटी में भी चेंज आता है। इसमें हम पढ़ते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट के बारे में, जो कि होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन एन ऑक्टेनॉल डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन वाटर। तो पार्टीशन कोफिशिएंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम एक ले लेते हैं सेपरेटिंग फनल, उसमें हम एक एन ऑक्टेनॉल ले लेते हैं और वाटर ले लेते हैं, और फिर हम अपनी ड्रग डाल के उसको शेक करते हैं। तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो दोनों लेयर्स जो होती है सेपरेट हो जाती है, और हम दोनों तरफ से एन ऑक्टेनॉल से भी और वाटर से भी सैंपल लेके टेस्ट कर लेते हैं कि पी की वैल्यू कितनी आ रही है। अगर पी की वैल्यू मोर देन 1 होती है तो वो होता है हाइड्रोफोबिक, और अगर लेस देन 1 होती है तो होता है हाइड्रोफिलिक। जो हाइड्रोफोबिक करेक्टर है ड्रग का, हम उसे एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लेते हैं टेस्ट करते हुए ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने अभी बताया ऑक्टेनॉल और वाटर में। अगर पी हाई होता है तो वो डिसॉल्व करता है ऑक्टेनॉल की लेयर में, और अगर वो हाइड्रोफिलिक होगा तो पी की वैल्यू लो होगी और वो डिसॉल्व करेगा एक्वस लेयर में, यानी कि वाटर में। जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है हम उसे एक्सप्रेस करते हैं एज 1/C, यानी कि हम उसे रेसिप्रोकल में लेते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा एक्टिव ड्रग होगी वो अचीव कर लेगी डिफाइंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे। जो हमारा स्मॉल रेंज वाला होता है 1 से लेके 4 तक लॉग पी, उसके लिए हमको स्ट्रेट लाइन कर्व मिलता है लॉग पी वर्सेस लॉग 1/C का, और जो इक्वेशन होती है फर्स्ट लाइन के लिए वो होती है लॉग 1/C इज इक्वल्स टू K1 लॉग पी प्लस K2। जो वैल्यू बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे लॉग पी इंक्रीज करता रहता है, और मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है लॉग पी नॉट पे, जो रिप्रेजेंट करती है ऑप्टिमम पार्टीशन कोफिशिएंट फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और उसके बाद डिक्रीज होने लग जाती है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। और जो इक्वेशन है पैराबोलिक कर्व के लिए, जब सिर्फ पार्टीशन कोफिशिएंट ही ओनली फैक्टर होता है जो इफेक्ट करता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी को, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं लॉग 1/C इज इक्वल्स टू -K1 लॉग पी होल स्क्वायर प्लस K2 लॉग पी प्लस K3। देन हाइड्रोफोबिसिटी में एक पैरामीटर और आ सकता है सब्सिट्यूएंट हाइड्रोफोबिसिटी कॉन्स्टेंट, जो मेजर होता है कि कैसे हाइड्रोफोबिक सब्सिट्यूएंट रिलेटिव होता है हाइड्रोजन से। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, ये इफेक्ट करेंगे ड्रग की आयनाइजेशन पे या पोलैरिटी पे।
जिसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा कि कितनी इजीली ड्रग जो है वो पास कर सकती है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू और कितनी स्ट्रांगली वो इंटरेक्ट करेगी बाइंडिंग साइट से। और ये यूज़फुल है मेजर करने के लिए, हमें करना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को। देन इसमें आता है हैमेट सब्स्टिट्यूशन कॉन्स्टेंट, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर है जो मेजर करता है आयनाइजेशन को और पोलैरिटी को मॉलिक्यूल्स की, और हम ये यूज़ करते हैं कि हमें पता चले कैसे ड्रग पास कर सकती है सेल मेम्ब्रेन से और कैसे वो इंट्रैक्ट करेगी बाइंडिंग साइट पे। इसको हम यूज़ करते हैं मेजर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी किसी सब्स्टिट्यूएंट की, जो हम पता लगाते हैं मेजर करके डिसोसिएशन ऑफ सीरीज ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड कंपेयर करते हुए डिसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड इट्सेल्फ, यानी कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड को कंपेयर करते हैं हम बेंजोइक एसिड से खुद। एक इक्विलिब्रियम सेट किया जाता है आयोनाइज्ड और नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म के बीच में, जहाँ पे जो रिलेटिव प्रोपोर्शंस होती हैं इन स्पीसीज की उन्हें हम कहते हैं इक्विलिब्रियम और डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट KH, जो कि इक्वल टू होता है PHCOO- PHCOOH अपॉन में। जो पोजीशन होती है इक्विलिब्रियम की वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे भी और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पर भी। और इसके लिए इक्वेशन है सिग्मा एक्स, यानी कि हैमेट सब्सटीट्यूशन कांस्टेंट फॉर अ सब्सटेंस एक्स इज इक्वल टू लॉग के एक्स अपॉन के एच विच इज इक्वल टू लॉग के एक्स माइनस लॉग के एच, यानी कि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर एक्स माइनस इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर स्टैंडर्ड बेंजोइक एसिड। हैमेट वाले की एक लिमिटेशन है कि हम इसमें ऑर्थो पोजीशन के लिए मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है उस पर। देन अब बात कर लेते हैं कि स्टेरिक इफेक्ट क्या होते हैं। बल्क साइज और शेप जो होता है वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे वो अप्रोच करेगा और इंट्रैक्ट करेगा बाइंडिंग साइट से। जो बल्की सब्स्टिट्यूएंट होगा वो एक्ट करेगा एक शील्ड की तरह और हिंडर कर देगा आइडल इंट्रैक्शन को बिटवीन ड्रग और उसकी बाइंडिंग साइट, और जो बल्की सब्स्टिट्यूएंट होगा वो हेल्प करेगा ओरिएंटेट करने के लिए ड्रग को प्रॉपरली मैक्सिमम बाइंडिंग के लिए और इंक्रीज करेगा उसकी एक्टिविटी। देन इसमें आता है टाफ्ट स्टेरिक फैक्टर और ES, जिसे हम ऑब्टेन करते हैं कंपेयर करते हुए रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एलिफैटिक ईस्टर अगेंस्ट स्टैंडर्ड ईस्टर अंडर एसिडिक कंडीशन, यानी कि सब्स्टिट्यूटेड एलिफैटिक ईस्टर को स्टैंडर्ड ईस्टर के साथ एसिडिक कंडीशन में। और इसको हम यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए ड्रग रिसेप्टर इंट्रैक्शन, जो रिफ्लेक्ट करेगा चेंज इन ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ बायोलॉजिकल एक्शन। देन इसका फॉर्मूला होता है ES इज इक्वल्स टू लॉग के एक्स माइनस लॉग के नॉट, या फिर हम इसे लिख सकते हैं लॉग के एक्स अपॉन लॉग के नॉट, जिसमें के एक्स होता है रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ईस्टर और के नॉट होता है रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस फॉर रेफरेंस और पेरेंट ईस्टर। अगर जो सब्स्टिट्यूएंट होगा जैसे कि HF वो स्मॉल होगा रेफरेंस ग्रुप से तो फास्टर रेट होगी हाइड्रोलिसिस की, तो ES जो होगा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर सब्सटेंस लार्जर होगा जैसे कि मिथाइल तो वो रिड्यूस कर देगा रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो वो नेगेटिव होगा। और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो इंट्रामोलिकुलर स्टेरिक इफेक्ट भी होता है और ड्रग जो है इंट्रैक्ट कर देती है टारगेट बाइंडिंग साइट्स के साथ इंटर मोलिकुलर मैनर में, यानी कि वो मेजर जो करता है वो इंट्रा यानी कि उसी मॉलिक्यूल के अंदर होता है, और लेकिन जो ड्रग है वो इंट्रैक्ट करती है इंटर यानी कि दूसरे मॉलिक्यूल से। देन इसमें मॉलिक्यूलर रिफ्रैक्टिविटी भी आती है जो मेजर होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, और आता है वर्लूप स्टेरिक पैरामीटर जो कि इन्वॉल्व करता है कंप्यूटर प्रोग्राम कॉल्ड स्टेरिमोल, जो कैलकुलेट कर लेता है स्टेरिक सब्स्टिट्यूएंट वैल्यूज़ जो कि होती है वर्ल्ड लूप स्टेरिक पैरामीटर, एक स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल वंडर वॉल रेडियाई बॉन्ड लेंथ और पॉसिबल कन्फर्मेशन से।
सब्स्टिट्यूएंट के, और ये हम मेजर कर सकते हैं किसी भी सब्स्टिट्यूएंट के लिए। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हैंस इक्वेशन और एनालिसिस। जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है बहुत सारी ड्रग की, वो रिलेटेड होती है कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज से, और ये इक्वेशंस जो है उन्हें हम हैंस इक्वेशन कहते हैं, और ये रिलेट करती है बायोलॉजिकल एक्टिविटी से मोस्ट कॉमनली यूज फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि लॉग पी और पी एस, स्टेरिक फैक्टर, और अगर जो रेंज होती है हाइड्रोफोबिसिटी वैल्यू की वो लिमिटेड होती है स्मॉल रेंज पे, तब जो इक्वेशन होती है वो लीनियर होगी, जैसे कि लॉग 1 बाई सी इज इक्वल्स टू के 1 लॉग पी प्लस के 2 सिग्मा प्लस के 3 ई एस प्लस के 4। लेकिन अगर जो लॉग पी वैल्यू है वो स्प्रेड करेगी लार्ज रेंज पे, तब पैराबोलिक होगी इक्वेशन, लॉग 1 अपॉन सी इज इक्वल्स टू माइनस के 1 लॉग पी होल स्क्वायर प्लस के 2 लॉग पी प्लस के 3 सिग्मा प्लस के 4 ई एस प्लस के 5। जो के 1 से लेके के 5 तक कांस्टेंट है उन्हें हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से डिटरमाइन कर लेते हैं ताकि हमें बेस्ट फिटिंग इक्वेशन मिल जाए। और जो इसका प्लांट ड्रग एक्शन होता है ये दो स्टेजेस में डिवाइडेड होता है, पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग टू इट्स साइट ऑफ एक्शन, बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू इट्स टारगेट साइट। हैंस एनालिसिस करने के टाइम पे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम चूज़ करें सब्स्टिट्यूएंट को केयरफुली, ताकि हम इंश्योर कर सकें चेंज इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो एट्रीब्यूटेड है एक पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए ही। नेक्स्ट टॉपिक है फ्री विल्सन अप्रोच या फ्री विल्सन एनालिसिस और एडिशनल मॉडल और डे नोवो अप्रोच। जो ये फ्री विल्सन अप्रोच होती है इसमें जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है पेरेंट स्ट्रक्चर की हम मेजर करते हैं और कंपेयर करते हैं उसे एक्टिविटीज़ ऑफ रेंज ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनालॉग से, ठीक है। इसकी इक्वेशन है एक्टिविटीज इक्वल्स टू के वन एक्स वन प्लस के टू एक्स टू प्लस के थ्री एक्स थ्री टू के एन एक्स एन प्लस जेड, जिसमें से एक्स एन है इंडिकेटर वेरिएबल जो कि 1 और 0 होता है डिपेंड करते हुए कि वो प्रेजेंट है कि नहीं, प्रेजेंट है तो 1, नहीं है तो 0। जो कंट्रीब्यूशन होती है ईच सब्स्टिट्यूएंट की वो एक्टिविटी देती है, जिसे हम डिटरमाइन करते हैं के एन की वैल्यू से, और जेड कांस्टेंट है जो रिप्रेजेंट करता है सारी एवरेज एक्टिविटी स्ट्रक्चर्स की जिन्हें हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसकी एडवांटेज क्या होती है कि हम इसमें ओवरऑल इफ़ेक्ट देते हैं एक सब्स्टिट्यूएंट का बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रादर देन इट्स वेरियस फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब कि कुछ प्रॉपर्टीज़ को सिर्फ नहीं देखते हम, पूरा इफ़ेक्ट देखते हैं। तो हमें इसमें ज़रूरत नहीं होती फिजिको केमिकल कॉन्स्टेंट्स की और टेबल की, और ये रिक्वायर करता है सिर्फ एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि बहुत सारे एनालॉग्स को सिंथेसाइज करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है, ताकि जो इक्वेशन है वो मीनिंगफुल रहे। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है 3D QSAR। ये बना है जिसमें हम 3D प्रॉपर्टीज़ देखते हैं मॉलिक्यूल की एज अ होल, रादर देन बाय कंसीडरिंग इंडिविजुअल सब्स्टिट्यूएंट और मॉइटीज़, यानी कि पूरा देखते हैं इंडिविजुअल मॉइटीज़ को देखने की बजाय। और इसमें एक अजम्पशन होती है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर होता है मॉलिक्यूल का वो होता है कि उसका ओवरऑल साइज़ और शेप और उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ जो है ये डिफाइंड होंगी, तो हम स्टडी कर पाएंगे उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की। और इसमें जो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं वो है कॉम्फा, जो कि है कंपैरेटिव मॉलिक्यूलर फील्ड एनालिसिस, जो बेस्ड होता है एजम्पशन पे कि जो ड्रग रिसेप्टर इंट्रैक्शन होती है वो नॉन कोवेलेंट होती है, और जो चेंजेस होती है बायोलॉजिकल एक्टिविटी में वो कोरिलेट करती है चेंजेस के साथ स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड्स ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल्स में। फिर इसमें स्टेप्स आता है, पहला डिफाइन करते हैं स्टेरिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स को, देन फिर हम क्या करते हैं रिलेट करते हैं शेप और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी से। इसमें हमें क्या करना पड़ता है कॉन्टूर मैप एनालिसिस, जो यूज़फुल होता है कि हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है जो दिखाता है कौन सा रीजन मॉलिक्यूल के अराउंड इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड पे। तो जो स्टेरिक मैप होता है उसमें सीरीज होती है कलर्ड कॉन्टूर की जो दिखाते हैं बेनिफिशियल और जो डिटरमाइंड इंट्रैक्शन होती है किसी रिप्रेजेंटेटिव मॉलिक्यूल की एक सेट से मॉलिक्यूल्स का, जिसको हम टेस्ट करते हैं इसे हम कहते हैं कॉन्टूर मैप।
और एक सिंगुलर कॉन्टूर मैप को भी हम बनाते हैं ताकि हम इलस्ट्रेट कर सकें बेनिफिशियल या डेट्रीमेंटल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस को। देन जो लास्ट टॉपिक है वो है कॉम्फा एंड कॉम्सिया। तो पहले कॉम्फा क्या है, कंपैरेटिव मॉलिक्यूलर फील्ड एनालिसिस, जो है ये रिस्ट्रिक्टेड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टेरिक फील्ड्स के लिए और होता है सिर्फ एंथैल्पिक कंट्रीब्यूशन ऑफ बाइंडिंग, जिसमें आइडिया क्या है कि अगर अलाइंड मॉलिक्यूल्स शेयर करेंगे ग्लोबल शेप और लोकेशन 3D लैटिस में तो एंट्रोपिक कंट्रीब्यूशंस फ्री एनर्जी ऑफ बाइंडिंग के लिए टू अ मॉलिक्यूलर टारगेट वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि सिमिलर होगी और इसमें एरर्स हो सकती है स्केलिंग में अलाइनमेंट की सेंसिटिविटी में और इंटरप्रेट करने के लिए कॉन्टूर्स और जो है इसको इम्प्रूव करने के लिए जो हमारा कॉम्सिया है यानी कि कंपैरेटिव मॉलिक्यूलर सिमिलैरिटी इंडेक्स एनालिसिस ये बना जो यूज़ करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को और हाइड्रोफोबिक फील्ड को और ये ज़्यादा बेटर डिफरेंस देता है एंट्रोपिक कंट्रीब्यूशन टू द बाइंडिंग फ्री एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फील्ड्स और यूज़ करता है स्मूथ पोटेंशियल बेस करते हुए गुआसिन फंक्शंस पे जो कि लेस सेंसिटिव होते हैं वेरिएशन के लिए अलाइनमेंट में और हमें ज़्यादा इंटरप्रिटेबल कंटूर्स मिलते हैं और ये लेस अफेक्टेड होता है बाई चेंजेस इन मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट और स्मूथर ज़्यादा स्मूथ और इंटरप्रिटेबल काउंटर मैप्स देता है क्योंकि हम इसमें एम्प्लॉय करते हैं गॉसियन टाइप डिस्टेंस डिपेंडेंस विद मॉलिक्यूलर सिमिलैरिटी इंडेक्सेस और स्टेरिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अलावा भी ये डिफाइन करता है हाइड्रोफोबिक हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और एक्सेप्टर डिस्क्रिप्टर फील्ड्स को और ये हेल्प करता है इसकी स्टडी से हम ऑब्टेन कर सकते हैं ज़्यादा स्टैटिस्टिकली रोबस्ट मॉडल और जो मैप आता है इससे ये सुपीरियर यानी कि बेटर होते हैं और इजी टू इंटरप्रेट होते हैं और ये हाईलाइट करते हैं उन रीजन को विद इन द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द लिगेंड स्केलेटन जहाँ पे पर्टिकुलर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्टिविटी। दैट्स ऑल फॉर नाउ, वी विल सून मीट विद अ न्यू वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड।